थाना बेबर क्षेत्र में जानवर के लिए चारा लेने जा रही एक वृद्ध महिला को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें वृद्धा गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे उपचार के लिए ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के सबको कब्जे में लेने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया। पूरी घटना थाना बेवर क्षेत्र के नगला पांडे से जुड़ी है। यहाँ की रहने वाली 65 वर्षीय वृद्ध महिला मुन्नी देवी पत्नी मुरारी लाल शर्मा, जो कि बीती देर शाम जानवरों के लिए चारा लेने के लिए खेतों की तरफ जा रही थी, तभी अनियंत्रित और तेज रफ्तार बाइक सवार ने पीछे से मुन्नी देवी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मुन्नी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। तत्काल परिजनों की ओर से मुन्नी देवी को उपचार के लिए स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र लाया गया। यहां मुन्नी देवी की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों की ओर से उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। यहां भी चिकित्सकों की ओर से गंभीर हालत को देखते हुए कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। परिजन उपचार के लिए वृद्ध महिला को कानपुर लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजन उसे पापा जिला अस्पताल ले आए। यहाँ परिजनों की ओर से मृतक के सबका पोस्टमार्टम कराने की मंशा जाहिर की गई, तो पुलिस ने मृतक के सबका पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया है। क्या नाम है आपका? पूरन लाल शर्मा। पूरन लाल जी, खत्म हुई कौन है आपकी? जो चाची हैं साहब। क्या नाम है? मुन्नी देवी। कहाँ की रहने वाली हैं? नंगला पांडे। नंगला पांडे थाना? थाना बेवर। क्या घटना हुई, कैसे खत्म हुई? जो साहब गाय के लिए चारा लेने जा रही थी आर में, पीछे तो मोटरसाइकिल वाले ने आके टक्कर मारी। मतलब बेहोशी हालत, नाक कान से खून निकली उनके, इतनी चोट गंभीर आई। फिर रात में साहब इन्हें लेके हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल में ज्यादा सीरियस बताई गई, तब इन्हें रेफर करोगे अस्पताल बड़े के लिए। रास्ता हम ले जा रहे थे साहब, तो रास्ते ही खत्म हो। कहाँ पे लेके जा रहे थे? कानपुर। कानपुर जा रहे थे। कितनी उम्र थी इनकी? करीब 65 वर्ष। 65 वर्ष। पति का नाम बताया ना? मुरारी लाल शर्मा। बच्चे कितने?